क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट cos थीटा कॉमा sin थीटा एंड cos phi कॉमा sin phi फ्रॉम द ओरिजिन। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम सबसे पहले ऐसे स्टेप से स्टार्ट करेंगे कि इस लाइन की इक्वेशन निकाल ली जाए, जो cos थीटा कॉमा साइन थीटा कॉस फाई कॉमा साइन फाई से पास करती है। तो यहां पर टू पॉइंट्स दिए हुए हैं, कॉस थीटा साइन थीटा कॉस फाई साइन फाई। टू पॉइंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। यहां पर जो पॉइंट्स गिवन है वो क्या है, x1 एंड y1। ये पॉइंट हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो यहां पर हम पॉइंट्स की वैल्यू रख देते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन पहले निकाले। y माइनस y1 कितना है साइन थीटा, और y2 कितना है साइन फाई। तो यहां पर फॉर्मूला है साइन फाई माइनस y1 कितना है साइन थीटा अपॉन x2 है कॉस फाई, यहां रखेंगे कॉस फाई, माइनस x1 है कॉस थीटा, और x माइनस x1 की जगह पर कॉस थीटा। अब इस लाइन को हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन बन रहा है, और बाकी इसको अगर सॉल्व करें तो देखिए क्या आएगा, y माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू, यहां पर फॉर्मूला आ रहा है साइन x माइनस साइन y का, साइन x माइनस साइन y होता है, देखिए साइन x माइनस साइन y इक्वल होता है 2 cos x प्लस y by 2 और साइन x माइनस y by 2 के। तो इस फॉर्मूले को यहां पर जब अप्लाई करेंगे तो आएगा 2 cos phi प्लस थीटा by 2 और क्या आएगा sin phi माइनस थीटा by 2 डिवाइडेड by, अब यहां पर क्या फॉर्मूला होगा cos phi माइनस cos थीटा का। यहां पर एक और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमको मालूम है, एक cos थीटा या cos x माइनस cos y इक्वल्स टू माइनस 2 टाइम्स sin x प्लस y बाय 2 एंड sin x प्लस y बाय 2 एंड sin x माइनस y बाय 2। ये फॉर्मूला हमको पता है, तो जब इस फॉर्मूले को यहां अप्लाई करेंगे तो मिलेगा माइनस 2 sin x के प्लेस पर कितना है phi, तो phi प्लस थीटा by 2 और sin phi माइनस थीटा by 2, सभी एंगल्स हैं, और यहां पर x माइनस cos थीटा, ये रिजल्ट हमको मिला अभी तक। अब देखिए इसको मैं मिटा दे रहा हूं क्योंकि ये तो फॉर्मूले की तरह यूज किया गया था, 2 और 2 कैंसिल हो रहा है, यहां पर sin phi माइनस थीटा by 2 एंड sin फर्क क्या रहा है phi माइनस थीटा by 2, ये टर्म भी पूरा कैंसिल हो रहा है। अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा, मैं तो माइनस से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां नीचे माइनस है sin phi प्लस थीटा by 2, पहले y से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस माइनस वाले को साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अब वो क्या मिलेगा
माइनस वाई साइन फाई प्लस थीटा बाई टू। देखिए इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया और अब इसको इससे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस साइन पाई प्लस थीटा बाई टू इज इक्वल्स टू किसके होगा। अब यहां पर देखो कॉस थीटा पाई प्लस थीटा बाई टू को पहले एक्स से इंटू करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक्स कॉस पाई प्लस थीटा बाई टू, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस कॉस पाई प्लस थीटा बाई टू एंड कॉस थीटा, ये एक्सप्रेशन हमारे पास बना। अब देखिए क्या करने जा रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा प्लस सी टाइप में आ जाए, तो क्या करेंगे कि x cos थीटा तो हमें दिख रहा है पाई प्लस थीटा बाई टू, इस वाली टर्म को उधर ले आएं और जो नेगेटिव वाला टर्म है वो इधर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, cos पाई प्लस थीटा बाई टू cos थीटा और यहां पर प्लस sin थीटा sin पाई प्लस थीटा बाई टू इज इक्वल्स टू, यहां पर आएगा x cos y प्लस थीटा बाई टू y sin y प्लस थीटा बाई टू। अब इस वाले पार्ट को मिटा दे रहे हैं जिससे हम इस लाइन को और सिंप्लीफाई कर पाए। देखिए यहां पर हमें थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये है क्या, अगर इस पूरे को थीटा प्लस फाइव बाई टू को ए मान लें, फाइव प्लस थीटा बाई टू को ए मान लिया जाए, तो साइन कॉस थीटा को हम बी मान लें या इसको ए मान लें और इसको बी मान लें, तो ये कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ये फॉर्मूला एक हमें याद आ रहा है कि अगर कहीं पर लिखा है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ये फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का। अब a इसमें किसको ले और b किसको ले, हम पहले cos थीटा को ले सकते हैं या फिर हम यहीं पर ले ले इसको a, तो फॉर्मूला हो गया cos a माइनस बी फाई प्लस थीटा बाई टू माइनस थीटा, ये a माइनस बी हो गया इज इक्वल्स टू x cos फाई प्लस थीटा बाई टू प्लस y साइन पाई प्लस थीटा बाई टू। ये वाली लाइन को भी मिटाना पड़ेगा और इसको मिटा दो। यहां पर जो लाइन लिखी हुई है इसी को हमने सेम टू सेम यहां से यहां लिख दिया हुआ है और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अभी कर सकते हैं। देखिए यहां पर आएगा कॉस, देखिए क्या आएगा, कॉस फाई प्लस थीटा माइनस टू थीटा बाई टू इज इक्वल्स टू एक्स कॉस फाई प्लस थीटा बाई टू वाई साइन फाई प्लस थीटा बाई टू, और ये एंगल्स हैं। ये थीटा तो यहां पर क्या होगा, कॉस फाई माइनस थीटा बाई टू इज इक्वल्स टू एक्स कॉस फाई प्लस थीटा बाई टू प्लस वाई साइन फाई प्लस थीटा बाई टू। अब देखिए ये लाइन किस फॉर्म में आ गई है, यहां पर है ए एक्स, यहां पर है बी वाई और ये सी है,
और हमें इसका ओरिजिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस फ्रॉम ओरिजिन निकालना है। तो जब भी केस ऐसा आता है कि जहां पर लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म में होगी या माइनस सी कर लोगे, तो इसका फॉर्मूला ओरिजिन के केस में क्या होता है, सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिस्टेंस होता है, तो उसको मॉड में लिखते हैं। अब देखिए हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करने जा रहे हैं। कंपेयर करने पर सी की वैल्यू कितनी हो रही है, एक्चुअली कई बार ए एक्स बी वाई प्लस सी लिखते हैं, ठीक है, तो जब c उधर लिखा हुआ है तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y माइनस थीटा बाय 2 अगर हम इधर लेकर आ जाए, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, बाकी सारे टर्म्स में x एंड y आ रहा है, इसमें x एंड y का कोई भी टर्म नहीं है, तो ये कांस्टेंट है। c से आप कंपेयर कर सकते हैं। देखिए लाइन इस तरह से भी लिखी जा सकती है, ठीक है, लेकिन जो हमारी पहले वाली लाइन है वही इस फॉर्म में लिखी हुई है, ए एक्स बी वाई is equals to c, तो यहां पर c की वैल्यू माइनस ना रख करके हमने डायरेक्टली कंपेयर कर लिया, क्योंकि वो कांस्टेंट भी है और दूसरी बात यह है कि c इधर हो या इधर हो, हम जब लेंगे डिस्टेंस तो हम यहां पर c को पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि वो एक डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। देखिए कितना होगा, c अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर, तो cos डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज कॉस पाई माइनस थीटा बाई 2, और मैग्नीट्यूड ले लो मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है कंपेयर करने पर, कॉस वाई प्लस थीटा बाई, और b की वैल्यू क्या है, साइन फाइव प्लस थीटा बाई 2। तो देखो ये कुछ फॉर्मूला बन गया, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर फाइव प्लस थीटा बाई 2, इसकी वैल्यू तो वन होगी, तो जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो कितनी आएगी फाइनली, ये जब वन हो गया तो ये डिस्टेंस है ओरिजिन से, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन वो ये है, और ये आएगा cos पाई माइनस थीटा बाई 2। अगर कहीं पर आंसर में थीटा माइनस पाई बाई 2 लिखा है तब भी वो सही है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं हो सकती। अच्छा आंसर को थोड़ा अरेंज करके भी लिखा जा सकता है, डिस्टेंस है तो हम मॉड लगा लें। अरेंजमेंट क्या हो सकता है, अगर हम ऊपर साइन फाइव माइनस थीटा बाई 2 और 2 कर लें, और ये कॉस फाइव माइनस थीटा बाई 2 है, तो हमें नीचे क्या करना पड़ेगा, साइन नीचे में क्या करना पड़ेगा, विजिबिलिटी खत्म हो रही है वहां से। तो पहला आंसर तो ये है, आंसर को फिर चेक करते हैं, ये आंसर करेक्ट है, लेकिन हो सकता है कि आंसर इस फॉर्म में ना दिया जाए। देखिए क्यों, हमने डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन तो निकाल लिया लाइन का, और अब हम इस आंसर को चेक भी या और ज्यादा सिंपलीफाई कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहां पर लिखा जाए cos y माइनस थीटा बाई 2, यहां ट्वाइस कर लो sin y माइनस थीटा बाई 2 सेम एंगल, और इसे डिवाइड कर दिया हमने sin y माइनस थीटा बाई 2 से, तो यहां पर देखिए 2 साइन ए कॉस ए, तो ये क्या हो जाएगा साइन 2 ए, इसको लिख सकते हैं साइन फाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2 ए, क्या ना जो उसका ट्वाइस करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा साइन फाई माइनस थीटा बाई 2। अच्छा यहां पर एक मिस्टेक है, जब यहां 2 करेंगे तो यहां भी 2 से बैलेंस करना पड़ेगा, भी आंसर ये लिखा हो सकता है। तो आंसर जब आपको नहीं पता है कि फाइनली क्या आ रहा है तो आप ये लिख करेंगे, अगर आपके क्वेश्चन में प्रूफ दैट करके दिया हुआ है तो फिर आप इस प्रोसीजर को भी फॉलो करेंगे। इसमें स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है और ज्यादातर ट्रिग्नोमेट्री ही इसमें
यूज हुई है, इसीलिए फाइनली इसको यहां तक भी सॉल्व करके दिखाया गया है कई जगह पर।